वहीं धमतरी जिले के आधा दर्जन जगहों पर चोरी करने वाले एक नाबालिग सहित 8 स्वातिब चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें चोरी के गहने खरीदने वाले सोनाल भी शामिल हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 3.5 लाख रुपए कीमत का माल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि साइबर सेल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सदर बाजार धमतरी में 2 व्यक्ति सोने चांदी के गहनों को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। वर्ष 2022, 23 और 24 में लगातार जो चोरियां हो रही थी, लगभग 6 चोरियां हुई थी, उसमें अपनी साइबर की टीम और थाना अर्जुनी की टीम को सूचना मिला था कि 2 लोग हैं जो सोना चांदी खपाने के लिए अपने सदर क्षेत्र में, कोतवाली क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिनको मुखबिर लगा के उनको कब्जे में जब लिया गया, उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा जो है अपराध करना कबूल बताया और उनके जब मेमोरेंडम कथन लिया गया तब उन्होंने लगातार पिछले वर्ष बार में जिन्होंने चोरी की थी उस चोरी को उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके आधार पर अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई और थाना भखारा के 4 मामले और उसी में थाना अर्जुनी के 2 मामले का खुलासा हुआ। इसी दौरान जब आरोपी लोगों से पूछताछ किया गया तो जो चोरी शुदा अपना सोना चांदी था उसको खपाने के लिए जिस सोनार के पास हम बेच रहे थे उसको, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है